मैं प्रधानमंत्री बन जाता। हाँ ये ठीक, इसको लोग रिजेक्ट कर देते। हाँ ये जाते जाते मिस्टर जिन्ना मेरी रोजी पे लात मार गए। अच्छा ये एंगल पटेल मुझे बिल्कुल, पटेल भाई ये सरदार साहब मुझे बिल्कुल नहीं स्ट्राइक किया था। जिसके पेट में लात लगती है दर्द उसी को होता है। हाँ ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। पहले मुआशके की बात, क्योंकि मुझे याद है आपको एक फोटो है कि आपके कपड़े क्रम्पल्ड हैं और आप बाहर निकले हुए हैं और हंस रहे हैं और माउंट बैटन भी खड़े हैं और एडवीना भी खड़ी। हमने वो मुआशका इसलिए चलाया था कि हम माउंट बैटन के साथ मिलकर थोड़ी और ज़मीन को अपनी तरफ खींच सके। अच्छा अच्छा, मैं समझ गया, खाला होना ने वाशिंग मशीन ना लेके देनी है सीधा। पंडित जी अपने मुंह से देखिए किस डिटाई से बात का पाए, बेशरम है गेने थोड़ा। मैं हैरान, मैं बाकी पंडित जी मैं हैरान हो गया हूँ, एक शादीशुदा औरत से आप मुआशका करें और ये कहें ये मैंने मुल्क के लिए किया। कमाल है। और आप उसको भी छोड़े हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, एडवीना फसाई की में सी पाए। दूसरा सवाल ये है कि ये कश्मीर में आप प्लेबसाइट मान के तो आप फिर मुकर क्यों गए? हम इस तस्वाबे राय से ना मुकरते तो क्या करते? अक्वामे मुतहिदा के कहने पर कश्मीर को छोड़ देते, काले कुल्लू को छोड़ देते, चीड़ के दरख्तों को छोड़ देते। कश्मीर की वजह से ही तो हिंदुस्तान स्वर्ग है, अपनी स्वर्ग को छोड़ देते हम क्या पागल दिखाई देते हैं जी। आपने इनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया, इनका रवैया, क्योंकि जल्दी इन्होंने आपसे सिर्फ कोऑपरेट ये किया कि ये फौत जल्दी हो गए थे, लेकिन जितनी देर ये फौत नहीं फरमाए तो आपके साथ रवैया कैसा था इनका? देखिए प्रधानमंत्री बनना मेरा राइट था। हाँ वो ठीक है, ये भी ठीक था ना, ये बात तो थी ना। जहानत की और सीनियरिटी आपकी बनी, सीनियरिटी मेरी थी। 34-36 के इलेक्शंस आप देखिए, 37 का इलेक्शन देखिए, बिल्कुल ठीक है। ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी कांग्रेस, मुझे हटा दीजिए कांग्रेस में बचता क्या था? नहीं कुछ भी नहीं। नहीं पटेल साहब आप अच्छे थे, लेकिन इतने भी आप मामे नहीं थे कांग्रेस के, बहुत और लोग भी थे जो ये काम कर रहे थे। आज तक झुकते मारने वाला एंकर नहीं देखा। आपकी शान में कोई गुस्ताखी नहीं है, बिल्कुल नहीं। लेकिन फिर प्रधानमंत्री ये क्यों बना? हाँ ये मुझे होना चाहिए था ना, मुझे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, मैं क्या प्रवेद अलाई हूँ? डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर क्या होता है बताइए ना बकारी साहब, क्या हुआ दंगे पड़ गए आप? मुझे प्रवेद अलाई साहब की शक्ल सामने आ गई है, जिस दिन वो ओथ ले रहे थे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, तो मुझे ख्याल आया कि आप ठीक कहते हैं। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर क्या होता है? कुछ भी नहीं, यही तो यही सवाल प्रवेद अलाई भी आज तक पूछता फिर रहा है कि डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर क्या होता है। नाजरी मुझे इशारा हुआ है कि एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, प्लीज स्टे विद अस।